हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ चिकन शोरमा। और इसको कैसे बनाया जाता है उसका रेसिपी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हम लोगों ने लिए चिकन ब्रेस्ट, बोनलेस ब्रेस्ट है ये पूरे। तो चलिए हम लोग इसका प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या डालना चाहिए इसका रेसिपी है। तो गाइस, सबसे पहले इसमें डालिए जिंजर गार्लिक पेस्ट। इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद लगभग एक से डेढ़ स्पून तक आप लोग इसमें धनिया पाउडर डालिए, लगभग डेढ़ स्पून तक, टेबल स्पून डेढ़। और हाफ टेबल स्पून चाट मसाला डालिए इसमें। उसके बाद में लगभग लगभग डेढ़ स्पून तक गरम मसाला डालिए और एक स्पून तक चिकन मसाला डालिए थोड़ा सा। उसके बाद में आप स्वाद अनुसार का सॉल्ट डाल सकते हैं, आपको जैसा कम ज़्यादा पैसा लगता है, टेस्ट अनुसार के सॉल्ट डालिए। थोड़ा सा ये भी स्वाद अनुसार का ही डालिए आप, चिल्ली पाउडर, चिल्ली पाउडर हो गया। उसके बाद में आप इसमें लगभग एक टेबल स्पून तक ये है जीरा पाउडर, आप इसमें जीरा पाउडर डालिए। थोड़ा सा दो पीस लेमन निचोड़ दीजिए इसमें। लेमन निचोड़ने के बाद में थोड़ा सा ऑयल डालना है आपको। ये थोड़ा सा ऑयल हो गया, ये ऑयल सेल होने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कीजिए आप। थोड़ा ऑयल कम हुआ है, चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम लोग इसमें डालेंगे कर्ड, दही का पैकेट डालेंगे इसमें, एक पैकेट फुल डालते हैं लगभग हाफ लीटर। ये 2 kg शोरमा है, 2 kg में हाफ लीटर डालिए, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप। तो चलिए हाफ लीटर डाले। अब इसमें थोड़ा सा रेड कलर डालते हैं, ऊपर से थोड़ा सा आप लोग ब्लैक पेपर भी डालिए, ये आधा स्पून तक। उसके बाद आप लोग रेड कलर डालिए, बस इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और आप लोग टेस्ट कर लेना, आपको टेस्ट कैसा लगता है। और ये आप लोग रेस्टोरेंट में बना सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल का है, हम लोग ऐसे ही देते हैं इधर, लेकिन और जगह में अलग अलग रेसिपी रहता है इसका। ये एक्चुअली तंदूरी मसाला का रेसिपी है जो हम लोग शोरमा में देते हैं इसको, किधर किधर मलाई कबाब का भी देते हैं शोरमा में।
सब कुछ परफेक्ट है। दही भी ठीक ही है, मतलब दही और डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जी चिकन में 1/2 लीटर दही परफेक्ट रहता है। तो ठीक है गाइस, हमारा शोरमा रेडी हो गया है बनाने के लिए। अभी अब लगाने का भी वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में आपके लिए डाल देंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।